Welcome to yet another episode of Power People, where we have the who's who of the music industry. And today we have a very special guest, Dilbagh Singh ji. Thank you very much. Who's known in the Punjabi music industry for his music albums, for his live performances. Thank you so much, Dilbagh ji. Thank you, sir. Thank you very much. आपने मुझे बुलाया, बड़े प्यार से हम और मैं आपके प्यार से हूँ. Thank you so much. And the best part is that we are not recording it on Zoom. It is a live catch-up kind of a conversation. तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई म्यूजिक की, ब्रीफली इसके बारे में. So मैं I believe in destiny. जर्नी जब मेरी म्यूजिक की शुरू होनी थी, उससे पहले ही कहीं लिखा हुआ था कि मुझे म्यूजिक करना है. मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था. मैं हमेशा क्लास में पिटता था टीचरों से, और अपने जो स्टूडेंट अच्छे थे उनके, जो अच्छा पढ़ते थे उनकी वजह से मुझे निगलेक्ट भी किया जाता था. लेकिन मेरे में एक कुछ अलग था, मुझे जो लगता था कि मेरे में कुछ अलग है, मैं इसके लिए नहीं बना. सो मैं भागता था पढ़ाई से बचने के लिए म्यूजिक रूम में, क्योंकि मुझे तबला आता था बजाना. तो मेरी जो टीचर थी और म्यूजिक टीचर, उनको लगता था कि मैं अच्छा तबला बजाता हूँ और मुझे म्यूजिक कुछ करना चाहिए. तो मैं हमेशा मोर ऑफ द टाइम मैं म्यूजिक रूम में होता था, सिर्फ पढ़ाई से बचने के लिए. मुझे उस टाइम म्यूजिक में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था. पर एक कंपटीशन आया जिसमें आपको फोक सॉन्ग गाना था. तो उस फोक सॉन्ग गाने के लिए मुझे पूछा गया, सबको पूछा गया म्यूजिक रूम में कि फोक सॉन्ग गाना है. कोई फोक सॉन्ग पंजाबी किसी को आता, हाथ खड़ा कर. तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मुझे आता. और वो कुछ टाइम पहले मैंने मलकीत सिंह जी, हमारे बहुत बड़े स्टार, उनका गाना सुना था मैंने. तो वो मुझे याद था गाना कि मैंने सुना, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले वो गाना मैंने सुना था. तो मैंने उनको बोला जी मुझे आता है. तो मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने वो गाना गाया. और कंपटीशन प्रैक्टिस में गाना गाने के लिए मैं गया. तो हमारे पूरे वेस्ट जोन दिल्ली से कोई 150-200 बच्चा था जिन्होंने ये फोक सॉन्ग गाया. उन 150-200 बच्चों में मैं थर्ड प्लेस पर आया. सो मैं आई बिलीव इन डेस्टिनी. जर्नी जब मेरी म्यूजिक की शुरू होनी थी, उससे पहले ही कहीं लिखा हुआ था कि मुझे म्यूजिक करना है. मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था. मैं हमेशा क्लास में पिटता था टीचरों से, और अपने जो स्टूडेंट अच्छे थे उनके, जो अच्छा पढ़ते थे उनकी वजह से मुझे निगलेक्ट भी किया जाता था. लेकिन मेरे में एक कुछ अलग था, मुझे जो लगता था कि मेरे में कुछ अलग है, मैं इसके लिए नहीं बना. सो मैं भागता था पढ़ाई से बचने के लिए म्यूजिक रूम में, क्योंकि मुझे तबला आता था बजाना. तो मेरी जो टीचर थी और म्यूजिक टीचर, उनको लगता था कि मैं अच्छा तबला बजाता हूँ और मुझे म्यूजिक कुछ करना चाहिए. तो मैं हमेशा मोर ऑफ द टाइम मैं म्यूजिक रूम में होता था, सिर्फ पढ़ाई से बचने के लिए. मुझे उस टाइम म्यूजिक में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था. पर एक कंपटीशन आया जिसमें आपको फोक सॉन्ग गाना था. तो उस फोक सॉन्ग गाने के लिए मुझे पूछा गया, सबको पूछा गया म्यूजिक रूम में कि फोक सॉन्ग गाना है. कोई फोक सॉन्ग पंजाबी किसी को आता, हाथ खड़ा कर. तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मुझे आता. और वो कुछ टाइम पहले मैंने मलकीत सिंह जी, हमारे बहुत बड़े स्टार, उनका गाना सुना था मैंने. तो वो मुझे याद था गाना कि मैंने सुना, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले वो गाना मैंने सुना था. तो मैंने उनको बोला जी मुझे आता है. तो मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने वो गाना गाया. और कंपटीशन में गाना गाने के लिए मैं गया. तो हमारे पूरे वेस्ट जोन दिल्ली से कोई 150-200 बच्चा था जिन्होंने ये फोक सॉन्ग गाया. उन 150-200 बच्चों में मैं थर्ड प्लेस पर आया. मैं तीसरे नंबर पर आया, मैं जीत गया. तो मैं जब जीता तो सडनली जो टीचर मुझे मारते थे, जो मुझे पीटते थे स्कूल में या डांटते थे कह लो, तो वो अचानक से मुझे प्यार करना शुरू हो गए. मुझे रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई. और सुबह असेंबली में मुझे बुलाकर दोबारा वो अवार्ड दोबारा से दिया गया. प्रिंसिपल ने अवार्ड दिया कि भाई गुड बच्चा, हमारा होनहार बच्चा, ये म्यूजिक में ऐसा कुछ करो आप सब. तो स्पीच हुई. तो मेरा अचानक से वो एक अवार्ड जीतने से मेरे स्कूल में मेरी रिस्पेक्ट शुरू हो गई. तो मैंने सोचा ये काम सबसे बढ़िया है, इसमें इज्जत बहुत. हाँ, मुझे लगा कि ये काम सबसे बढ़िया. उससे पहले मैं क्रिकेट खेलता था. मैं दिल्ली से ए डिवीजन लीग क्रिकेट खेला हूँ. मैं अंडर 14 टीम, दिल्ली की टीम से क्रिकेट खेला हूँ, बड़ा अच्छा और बड़ी जगह पर खेला हूँ. लेकिन मुझे लगा कि ये ज्यादा अच्छा है काम है, इसमें पढ़ाई भी नहीं चाहिए, इसमें ज्यादा रियाज प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए. तो ये काम करता हूँ. तो वो डेस्टिनी मुझे वहां ले गई. तो जर्नी मेरी शुरू हुई वहां से. फिर उसके बाद जब हमने 12th पास करी, तो मैंने इसको प्रोफेशनली करने की सोचा. तो मैंने अपने मम्मी से बोला कि मुझे म्यूजिक में कुछ करना है, मैं म्यूजिक में जाना चाहता हूँ। तो उस दौर में जब मैंने 12th पास करी तब तारा डरती रात ऐसे गाने बड़े हिट होते थे, सोनू निगम के गाने बड़े हिट थे, पॉप असाइनमेंट नया नया शुरू हुआ था हमारे देश में, वो मेड इन इंडिया गाना आया था। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा बनना, टीवी पे आना, MTV पे देखना, ये करना। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे म्यूजिक में कुछ करना है। तो मेरी मम्मी ने बोला अपने पापा से पूछ क्या करना है। तो मैंने पापा से पूछा कि मुझे म्यूजिक में कुछ करना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक को अपनी हॉबी बनाना चाहता हूँ। तो पापा ने बोला वो तो ठीक है बेटा, म्यूजिक को तुम करो पर कुछ काम भी तो करो। मैं कहती यही काम करना है। तो कहते नहीं वो तो ठीक है, ये तो करेगा, म्यूजिक काम क्या करेगा। मैंने कहती कि मैं यही काम करूंगा। तो उन्होंने बोला कि हम कल को क्या बताएंगे रिश्तेदारों को कि हमारा बेटा गाने गाता है, कुछ और होना चाहिए। बिकॉज आई एम बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पर आर्मी के लोग हैं, मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरे डैडी मर्चेंट नेवी में थे। तो उनको लगा कि इसको भी वही पकड़ना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं जी मैं म्यूजिक में कुछ करूंगा। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि अगर म्यूजिक में करना है या किसी भी काम में कुछ करना है तो उसमें अपना 2000% देना, 100-200 देने से काम नहीं बनेगा। अगर मुझे बहुत बड़ा बनना है तो मुझे 2000% देना पड़ेगा, तो बड़ा होगा। और मेरी मम्मी ने भी ये बोला कि अभी तक तुमने जो गाने वाने गाता था ऐसे बाथरूम में खड़े होते घर में, वो एक अलग चीज थी, अब तुम म्यूजिक को सीख। सो वहां से मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया। अजमेर सिंह जी, चंदन जी हैं मेरे गुरु थे पहले, अब तो उन्हें रहे, वो बहुत ही लेजेंड सिंगर दलेर मेहंदी साहब और मीका जी के पापा थे और उनसे मैंने म्यूजिक सीखा पहला। उसके बाद गुरु राजेंद्र सिंह जी हैं, वो रेडियो के 8+ आर्टिस्ट हैं दिल्ली से और उनका बहुत नाम है, उनसे मैंने म्यूजिक सीखा। फिर उसके बाद जर्नी शुरू हो गया। ग्रेट। तो एक बैक बेंचर जो बिल्कुल ही मतलब स्ट्रगलिंग विद स्टडी टू सडनली टर्न अराउंड, स्कूल में पॉपुलर और फिर पेरेंटल सपोर्ट, तो सबसे बड़ा ब्रेक आपको कब मिला व्हेन यू थॉट कि हाँ भाई मतलब अब तो मेरा नाम हो गया? Was that a struggle था कुछ या was it also lucky for you कि आपको एक बड़ा सा ब्रेक मिल गया? अगेन मैं बोलूँगा कि ये भी एक डेस्टिनी है कि मैं जैसे ही मैंने ये म्यूजिक सीखा फिर मैंने मीका जी के पीछे एज अ बैकअप वोकलिस्ट काम किया 4-5 साल। तो 2004-05 में मैंने अपना काम करना शुरू किया, अपना बैंड बनाया कि मैं आई वॉज वेरी यंग और उस टाइम बहुत करंट होता है बॉडी में कि आप भागते हो, यू नो 21-22 साल का लड़का भाग रहा है कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ करके दिखाना है। तो मैंने वो वहां से शुरू किया। तो मेरे शोज शुरू से जो शोज हैं, शुरू के कुछ महीने जब मैं अलग हुआ अपना काम शुरू किया तो 2-4 महीने ही मुझे शो का स्ट्रगल करना पड़ा, शो बिजनेस का, कि मुझे शो कहाँ से मिलेंगे, कैसे होंगे। लेकिन जब एक बार मिलने शुरू हुए तो शो बड़े अच्छे जाते थे मेरे, हिट जाते थे शो। जिस भी पार्टी में मैं गया वहां से रिपीट आता था कि इसको दिलबाग को फिर से बुक करो, यहाँ लेके आओ, वहां लेके आओ। सो ऐसा कुछ बड़ा कुछ होता था। तो उस केस में क्या हुआ कि हमारे एक दोस्त थे रमनजीत सिंह रॉकी, वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, उनकी कंपनी थी मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो वो मेरे प्रगति मैदान में बड़े शो कराते थे। तो एवरी मंथ मेरा कोई ना कोई शो था और शो फुल पैक 6-7-8 हजार लोग और हर बार शो मेरा आगे से अप होता था, बड़ा अच्छा हिट होता था। तो उन्होंने बोला एक बार मुझे ऐसे मजाक में, रात को हमने खाना वाना खाने के लिए खान मार्केट के पास में वहां पर खाना खाने में गए तो उन्होंने बोला कि भाई आप इतना कुछ करते हो, इतना बढ़िया। 2006-07 की बात है, 6 की बात है, हाँ 6 की बात है। तो उन्होंने बोला यार इतना हिट शो आपने हमारे लिए कर दिया, इतना काम करते हो, इतना कुछ है, आप एल्बम क्यों नहीं निकालते हो? एल्बम का जमाना चल रहा है, आप एल्बम निकालो। तो मैंने बोला भाजी एल्बम में लगते हैं पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कितने पैसे लगते हैं? तो मैंने ऐसे ही रात को मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई इसमें 15-20 लाख लगेगा, आपको आसान लग रहा है काम, 15-20 लाख लगेगा। वो कह रहे सुबह ऑफिस आओ, हम इस पे चर्चा करते हैं। मैं रात को गया 2-2:30-3 बजे, जैसे मैं आज यहाँ पर लेट होकर आते आते अपना सोया आराम से। सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे फोन पे 5-6 मिस्ड कॉल उनकी 2 बजे के आसपास। मैंने फोन किया, मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ? यार तुमने तो आज लंच करना था मेरे साथ 1 बजे। मैं कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं लेट हो गया, सॉरी। मैं कहा आप सीरियस हो उस बात पे जो आपने मुझे बोली है? बोले हाँ हाँ सीरियस हूँ, दुआ है। तो मैं उनके ऑफिस गया, जनकपुरी में उनका ऑफिस था, मैं उनके ऑफिस में गया, उनके ऑफिस में जाके बैठा। तो उन्होंने मुझे बोला हाँ जी कैसे शुरू करना है ये काम? मैं कहा जी पॉप एल्बम करेंगे, इतने में गाना होगा, इतने में ऑडियो होगी, इतने में वीडियो होगा, ये होगा। तो उन्होंने पहला 3 लाख का चेक काटा और मुझे चेक आउट कर दिया, शुरू करो हम आपके साथ। तो मैंने एक बड़ा अचानक से लगा कि यार ये क्या हो गया अचानक, इस बंदे के मैं कल तक 30-25-30 हजार में शो कर रहा था, आज इसने मेरे कहने पे 3 लाख का चेक काट दिया, इसका मतलब ही इज रेडी टू स्पेंड मनी, 15-20 लाख लगाने को तैयार। तो मैंने 3 लाख का चेक लिया, वहां से मैं डेस्टिनी जो डेस्टिनी अगेन मैं बोलता हूँ कि वहां पर ले गई, ऑटोमेटिक उन लोगों से मिला। तो वहां से मेरा पहला गाना बना ओ टीना, गाना जो मैंने बनाया जो 2007 में मेरा पहला गाना आया ओ टीना, और वो बिल्कुल यूनिक सा गाना बनाया हमने। उसमें उस टाइम ढोल का और पंजाबी इंस्ट्रूमेंट का बड़ा जोर था, पर हिप हॉप म्यूजिक में नहीं था कोई गाना। तो मेरा पहला पंजाबी हिप हॉप गाना था, जिसमें मैंने सिर्फ इंडियन टून भी यूज करी और वो हिप हॉप गाना बनाया। वो गाना बड़ा डिफरेंट था। उसमें उस गाने से मुझे ब्रेक मिला। उस गाने से मैं टीवी पे सबसे पहले आया, MTV पे, Channel V पे। उस गाने ने मुझे लगता है कि वो एक लाइफ का एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से जब तक मैं दिल्ली में कुछ लोगों को मेरा नाम था, उसके बाद मेरा पैन इंडिया में नाम होना शुरू हो गया। तो वहां से मुझे लगता है कि वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जी। तो आप म्यूजिक में जिनकी तरफ आप देखते हो? मेरे आइडियल बहुत सारे हैं। जैसे मैं बहुत ही अलग अलग तरीके का म्यूजिक सुनता हूँ, बहुत ही अलग अलग लोगों को सुनता हूँ। पर शुरू में जब मैंने सुनना शुरू किया था म्यूजिक, तो मैं मुकेश जी को, अपने किशोर कुमार जी को, जगजीत सिंह साहब को, उनको बहुत सुनता था। मेरी एज छोटी थी, लेकिन मेरे दोस्त मुझसे बहुत बड़े थे। तो वो जब मैं 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में था, तो तब तक मैं किशोर कुमार जी के, जगजीत सिंह की गजलें सुन चुका था, जो उस जमाने में कोई बच्चे लड़के या लड़कियां नहीं सुनते थे। वो गजलें लोग जो ठहरे हुए लोग होते थे, थोड़ी एज, वो गजलें सुनते थे। लेकिन मैं उस जमाने में सुनता, क्योंकि जो तबले जिनसे मैंने तबला सीखा था, वो तबला प्लेयर थे, वो गजलें बाहर से लेकर आते थे ऑडियो मुझे सुनाने के लिए। सो उनको सुना, जगजीत सिंह जी को सुना, और फिर उसके बाद थोड़े बड़े समझ आई जबकि पंजाबी म्यूजिक करना। गुरुदास मान साहब को बड़ा सुना, चिंदा जी हैं, उनको बहुत सुना, दलेर मेहंदी साहब को सुना, मीका जी को सुना। बस इन सारों से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि हर बंदे की कोई ना कोई एक जर्नी होती है। वो जर्नी, लोग गाने सुनते हैं, लोग गाने के पीछे की जर्नी कम सुनते हैं। तो मैंने हर बंदे की जर्नी सुनी कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुंचा, कितनी मेहनत करी। तो वो उन लोगों की जर्नी से मैं इंस्पायर हुआ। जगजीत सिंह साहब गंगानगर के रहने वाले थे, वो वहां से उठ के बॉम्बे गए, उन्होंने वहां स्ट्रगल की, मेहनत करी, वो वहां इतने बड़े स्टार बने। सो ऐसे बड़े सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं आज भी मैं बड़े सारे सिंगर्स को लाइक करता हूँ। मैं उनकी जर्नी को पसंद करता हूँ। जो आज के यंगस्टर हैं, वो भी जो बिल्कुल फ्रेश आते हैं, वो भी, या कुछ जो मेरे स्टाइल के लोग हैं, वो भी, जो मेरे स्टाइल के नहीं है, वो भी। तो मुझे बहुत सारे लोग पसंद हूँ। मैं 2-3 सवाल और हैं। एक तो ये है कि आप लाइव म्यूजिक भी बहुत सारे जी, और तो मतलब लाइव और जो रिकॉर्डेड है लेबल्स के साथ, तो ज्यादा मजा कहाँ पे आता है और क्यों? मैं जैसे लाइव शोज की आपने बात करी, तो मुझे लगता है कि मैं दिल्ली का इकलौता आर्टिस्ट हूँ जिसने 1700+ शो किए हुए हैं। मेरे 13 साल, साढ़े 13 साल का मेरा करियर है। तो आप लगा लो 2005 से 2006 से लगाकर आज तक मैंने लगभग 1700 से ऊपर शो किए हुए हैं, जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। मैंने अपनी जो डायरियां संभाल के रखी, पहले डायरियां होती थी तो उस पर डेट लिखी जाती थी, तो सब संभाल के रखी हुई है। तो वो शो जब आप लाइव जाते हो गाने के लिए, और जब आप स्टूडियो जाते हो, स्टूडियो में आपके पास, मुझे जो मजा आता है वो स्टेज शो पे मजा आता है, कि आप जो भी कर रहे हो उसका रिएक्शन जो है वो इंस्टेंट है आपके सामने। आप अच्छा गा रहे हो तो लोग तालियां मार रहे हैं, उनको नहीं पसंद आएगा तो वो आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे, या वो गाना चेंज करने को बोल देंगे आपको। वो बड़ा इंस्टेंट रिएक्शन जो है ना, वो मुझे बड़ा पंप अप करता है, वो मुझे अट्रैक्ट करता है। जो स्टूडियो में आप तो बहुत कुछ आ गया। अब तो आप पहले जमाने, थोड़ा आज से 10 साल पीछे जाओ, तो स्टूडियो में जाकर पहले रियाज करना पड़ता था गाने का, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती, फिर आपको वो गाना गाना पड़ता था। पर आज वो सिनेरियो नहीं है। आज तो आप अपने फोन से गाकर गाना भेजो, वो उसको ही ट्यून करके उसी को लगा देंगे और एक नया उसका टेक्सचर बना देंगे आपकी वोकल का। तो वो सुनने में फ्रेश लगेगा, दिखने में फ्रेश लगेगा। तो आज बहुत सारे टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग हो गया है। लेकिन मुझे जो अट्रैक्ट करता है, जो मुझे वो लाइव शो करता है, पर्सनली मुझे लाइव शो करता है। और आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे आर्टिस्टों को लाइव शो अट्रैक्ट करता होगा, क्योंकि सभी का ब्रेन सेम चलता, ताली सभी को उसी टाइम सुननी जब वो गा रहा है, वहां उसी टाइम चाहिए, वाह आहा मजा आ गया, वाह वो उसी टाइम चाहिए। वो लेटर ऑन जब आप गा दो उसके बाद लोग करें उसमें भी मजा है, पर लाइव में ज्यादा मजा है। फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डिजिटल म्यूजिक आज के लिए आर्टिस्ट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है, कोई मुश्किल नहीं है अपने आप को लोगों तक पहुंचाना। तो इससे आर्टिस्ट और बहुत सारे एस्पिरेशनल आर्टिस्ट भी हैं जो अपना काम दिखाना चाहते हैं। आपको लगता है डिजिटल आने से आसान बन गया आर्टिस्ट के लिए, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए खासकर अपना काम दिखाना, या अभी भी जब तक आप बॉलीवुड में नहीं जाओगे, एक लेबल आपको सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला? इसमें दो चीजें हैं जो मुझे जितनी नॉलेज मिले हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब मेरा जितना मानना है और मेरी जो नॉलेज है। हिट आप डिजिटल आने से मुझे ऐसा लगता है कि हिट तो आप हो जाओगे उसमें आने से, और लोग आपको बुला भी लेंगे, लोग आपको अपने पास बैठा भी लेंगे, लोग आपकी रील्स को या आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, लेकिन वो वैसा ग्रो नहीं कर पाएगा जैसा एक आर्टिस्ट को करना चाहिए। मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ, एक रेनू का नाम तो शायद उनका लेडी थी जो एक रेलवे स्टेशन पर गाती थी। हाँ जी, उनको डिस्कवर किया गया, उनको बहुत सुरीला वो गाती थी, उनको लेके जाया गया बॉम्बे। जब तक वो ट्रेन के वहां गा रहे थे उनके लिए लोग लाइक कर रहे थे, जब लेकिन जैसे वो बॉम्बे गई उनको गाना मिला, वो सडनली वो एक अच्छे आर्टिस्ट से वो सेलिब्रिटी बन गई। तो वो जो जर्नी है अच्छे आर्टिस्ट से या एक इन्फ्लुएंसर से या एक यूट्यूबर से या एक इंस्टाग्राम के प्लेयर से सेलिब्रिटी की, वो उसके लिए आपको बॉलीवुड जाना ही पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है, या आपको इंडिपेंडेंटली कोई पॉप का गाना ऐसा बड़ा करना पड़ेगा जिससे आपकी पहचान आपके गाने की वजह से हो, आपके नाम की वजह से, ना कि आपके डिजिटल रील हिट होने की वजह से हो। तो डिजिटल रील हिट होने में यह है कि अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ और किसी का डिजिटल हिट है तो मैं उसको अपने साथ बुला के कोलैब कर सकता हूँ, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, लेकिन वो गाना फिर भी मेरा रहेगा, उसका नहीं होगा। तो इंडिविजुअली मुझे लगता है कि आपका गाना आना बहुत जरूरी है, और आपको अगर बड़ा बनना है तो बॉलीवुड सबसे बढ़िया जगह है आपकी गाना निकाल कर अपने आप को बड़ा स्टैब्लिश करने के लिए as a celebrity. Amazing, and that was Dilbagh Singh talking to us on Power People, the series that we run on Loudest. Thank you so much. Thank you so much. Hello, Dilbagh sir. Hello, कैसे हो आप? So can you sing your favorite Punjabi song or one of your own songs? मेरा जो अपना song है मुझे वही सबसे ज़्यादा favorite लगता है. थोड़ी जिन पीती है, चोरी नहीं कीती है. Oh yaro kamino menu ta sambhalo, I don't wanna falling down. Nini jai piti hai. Thank you so much. नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दिलबाग सिंह और आप देख रहे हैं मुझे loudest.in पे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको म्यूजिक के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी समझना है और किसी भी तरह की आपको नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।